हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं काइनेकोकस कैंडिलोसिस के बारे में। तो हम बात कर रहे थे इसके कारण होने वाली डिजीज़, या अब हाइड्रेटेड सिस्ट किसी ऑर्गन के अंदर फट जाती है तो कौन कौन से सिम्टम्स जनरेट हो सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि 69.9% केसेस के अंदर चांसेस ये रहते हैं कि जो हाइड्रेटेड सिस्ट होती है वो लिवर के अंदर डेवलप हो। लगभग 19.3% चांसेस हैं कि ये सिस्ट लंग में डेवलप हो, यानी लिवर और लंग्स ये दो मेन ऑर्गन्स ऐसे हैं जहाँ की 95 to 97% की प्रोबेबिलिटी रहती है कि जो हाइड्रेटेड सिस्ट होगी वो इन्हीं दोनों ऑर्गन्स में से किसी एक में डेवलप होती है। लगभग 3% चांसेस हैं कि ये जो हाइड्रेटेड सिस्ट है वो 3% चांसेस हैं कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डेवलप हो। बाकी चांसेस यानी लगभग 5 to 6% रहते हैं चांसेस स्प्लीन, किडनी, हार्ट, बोन्स या ब्रेन के अंदर डेवलप होती हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये नज़र आती है। ब्रेन के अंदर अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ये सिस्ट डेवलप होती है। हार्ट के अंदर भी, हार्ट की जो वॉल्स हैं उसके अंदर डेवलप हो सकती है। लंग्स में भी ये काफ़ी बड़े साइज़ की हो जाती हैं। स्प्लीन में, किडनी में, बोन्स के अंदर, ख़ासतौर पर लॉन्ग बोन्स के अंदर डेवलप होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। पैल्विक रीजन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पैल्विक रीजन के अंदर, और लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस है जैसा कि आपको पहले बता चुका है, और कुछ केसेस में मसल्स के अंदर भी ये डेवलप होती हैं। सिम्टम्स जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि लीवर के अंदर पाचन में गड़बड़ी हो सकती है, लीवर पर प्रेशर फील होता है, और पेट में पानी भर जाना, और अगर लंग्स में है तो लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, न्यूरोमोटर्स जो होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, पैरालिसिस हो सकता है। अब बात करते हैं कि हम इस डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई या डायग्नोस कैसे करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए, यानी इस चीज़ को, डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए बेसिकली उस सिस्ट को खोजा जाता है जिसकी कि हमें चांसेस लगते हैं कि ये डिज़ीज़ हाइड्रेटेड सिस्ट की वजह से हो सकती है, तो सिस्ट को खोजा जाता है इस डिज़ीज़ के अंदर। तो सिस्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए बेसिकली तीन तरह के टेस्ट जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला इसमें आता है इमेजिन टेक्निक्स, यानी फ़ोटोग्राफी किसी टाइप से भी, पिक्चर्स लेना। और दूसरी तरीका होता है हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट, और तीसरा तरीका होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमेज टेक्निक्स की। इमेज टेक्निक्स के अंदर एक्सरे टेक्निक्स है, अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े वाइट एरियाज नज़र आ रहे हैं, ये डिनोट करते हैं इसे, ये नॉर्मल व्यक्ति का हो गया और ये जिसको कि डिजीज़ है। तो अलग से आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही एक्सरा में आप फ़र्क देख सकते हैं कि ये नॉर्मल व्यक्ति का हो गया और इस व्यक्ति के अंदर सिस्ट प्रेजेंट है। तो हमें अलग से ये जो एरिया नज़र आ रहा है वो सिस्ट की प्रेजेंस को शो करता है, और अल्ट्रासाउंड के अंदर भी इसको पहचाना जा सकता है। ये है कैसोनी रिएक्शन। कैसोनी रिएक्शन जो होती हैं उसका एक, ये एक इंटरमीडिएट या इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट है। इसमें हाइड्रेटिक सिस्ट के जो स्टरलाइज्ड फ्लूइड होता है उसको स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। अगर स्वेलिंग होती है तो इसका मतलब बॉडी के अंदर सिस्ट प्रेजेंट है, यानी एक जो सिस्ट का फ्लूइड होता है, हाइड्रेटेड सिस्ट का फ्लूइड जो होता है उसको स्ट्राइड फॉर्म के अंदर लेकर उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और फिर रिएक्शन को नोट करते हैं। अगर कुछ तरह की स्वेलिंग होती है तो इसका मतलब बॉडी में सिस्ट जो है वो प्रेजेंट है, और अगर स्वेलिंग नहीं हुई इसका मतलब सिस्ट जो है प्रेजेंट नहीं है। सीरोलॉजिकल टेस्ट्स के अंदर हमारे पास कई तरह के टेस्ट हैं इकाइनोकॉकस की आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे हीमोग्लोटिनेशन टेस्ट, पॉपुलेशन टेस्ट, इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंस एंटीबॉडी टेस्ट एंड इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस। इन सभी तरह के टेस्ट के अंदर हम बॉडी के अंदर अगर हाइड्रेटेड सिस्ट प्रेजेंट है तो उसके कारण जो एंटीजन्स प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो
एंटीजन्स की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस सब तरह के जो सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला तो आता है इसके अंदर एंटी हेलमिंटिक ड्रग्स, तो प्रेजिक्वेंटल है जो कि इसका इस्तेमाल किया जाता है इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए। अगर हाइड्रेटिस प्रेजेंट है तो उसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग दी जा सकती है। एंड इन सीवियर केसेस जहाँ की पेन बहुत ज़्यादा है या द सिस्ट इज़ अबाउट टू बर्स्ट यानी सिस्ट फटने वाली है, इन दैट केस अगर पहले से ही पता लग जाता है कि बॉडी में खासतौर पर लीवर या लंग्स वगैरह में सिस्ट प्रेजेंट है तो सर्जरी इज़ अनदर ऑप्शन। लेकिन जनरली डॉक्टर्स जो होते हैं वो सर्जरी करने को अवॉइड करते हैं, बिकॉज अगर इस प्रोसीजर के अंदर गलती से भी जो सिस्ट है वो बर्स्ट हो जाती है तो जो सिस्ट का फ्लूड होता है, सिस्टिक फ्लूड होता है, हाइड्रेटेड फ्लूड होता है, वो एब्डोमिनल कैविटी में फैल सकता है जिससे कि मल्टीपल सिस्ट फ्यूचर में डेवलप हो सकती है। तो सर्जरी का ऑप्शन अगर चूज़ किया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की। सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन है कि किसी तरीके से इस डिज़ीज़ को होने से रोका जाए या होने ही ना दी जाए। तो बिकॉज हम जानते हैं कि मेन जो इसका कारण है वो डॉग्स एंड कैट्स हैं, तो अगर हम अपने घरों में या फिर हमारे सराउंडिंग में डॉग्स प्रेजेंट हैं या हम उसे खेलते वगैरह भी हैं तो हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि डॉग्स को अगर मान लीजिए किसी फार्म हाउस की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे भेड़ें रखी जाती हैं और वहाँ डॉग्स हैं उनकी रखवाली के लिए, तो सबसे ज़रूरी है कि डॉग्स साइकिल को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि जो इकाइनोकॉकस है वो साइकिल के अंदर यानी इंटरमीडिएट होस्ट और फिर जो मेन होस्ट है डॉग उनके अंदर जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए कि डॉग्स जो हैं वो किसी भी हालत में भेड़ों का कच्चा मांस नहीं खाएं, क्योंकि अगर भेड़ों के अंदर जो सिस्ट प्रेजेंट है वो सिस्ट जो है वो भेड़ों के अंदर बनेगी, तो अगर भेड़ों के अंदर सिस्ट प्रेजेंट है और वो सिस्ट वाला मांस जो है वो डॉग्स ने खाया तो जो इकाइनोकॉकस है उनकी डॉग्स की बॉडी में एंटर करेगा और वहाँ पे वो अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। तो दूसरी बात, फॉर्म डॉग्स को शिकार नहीं करने दिया जाए, क्योंकि वो बाहर क्या खा रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं हमें नहीं पता होगा, तो ज़रूरी है कि उनके खाने पर पूरी नज़र रखी जाए। और फार्म के एनिमल्स की टाइम टू टाइम रेगुलर जाँच और इलाज होना चाहिए। जो भी फल सब्ज़ियाँ वगैरह खाई जा रही हैं उनको अच्छे से धोकर साफ़ करके फिर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी हाइजीन का, प्रॉपर पर्सनल हाइजीन का और खाने पीने को लेके जो हाइजीनिक मेजर्स होते हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात और ज़रूरी है कि जितना भी मीट खाया जाता है वो अच्छे से पका के खाया जाए, रॉ मीट या जो हम कहते हैं सेमी कुक्ड मीट होता है उसको नहीं खाना चाहिए। ह्यूमन्स में प्रिवेंशन की बात करें, जैसे मैंने पहले ही कहा जो भी खाना पीना है वो बहुत ज़्यादा सफाई के साथ होना चाहिए, अनकुक मीट जो है वो उससे बचना है, और प्रोटेक्टिव जो भी हम मीट को या डॉग्स को या एनिमल्स को ट्रीट कर रहे हैं उस वक्त पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको वेयर करना चाहिए, और टाइम टू टाइम जो है वो लेबॉरेटरी से एनिमल्स की जो है और फीकल मटेरियल की जो है इन्फेक्टेड एनिमल्स की उनकी फीकल मटेरियल की जो है जांच करनी चाहिए। थैंक यू।